हेलो बच्चों, आज की क्लास में बेसिक नॉलेज के क्लास में मैं आ गई हूँ। और आज के क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी डायरेक्शन के बारे में, यानी कि दिशा के बारे में। ठीक है, तो दिशा के बारे में हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीखेंगे। तो चलिए फिर क्लास शुरू करती हूँ। बच्चों, डायरेक्शंस यानी कि दिशाएं चार होती हैं, और ये कौन कौन सी होती है इसको हम लोग इस फोटो के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर एक साइड चारों डायरेक्शन बना हुआ है और एक साइड एक लड़की का फोटो बना हुआ है, यानी कि बॉय का। बस आपको इस फोटो को गौर से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। सबसे ऊपर हमारे सर के ऊपर सीधी जो होता है हमारे सर के ऊपर वो होता है नॉर्थ, जिसे कि हिंदी में उत्तर कहते हैं। स्पेलिंग है नॉर्थ का NORTH। और उसके सीधे नीचे यानी कि हमारे पांव के नीचे सीधे में होता है साउथ, जिसे कि हिंदी में दक्षिण कहते हैं। साउथ की स्पेलिंग है SOUTH। अब चलिए राइट में आते हैं। हमारे राइट हैंड में है वेस्ट, जिसे कि हिंदी में पश्चिम कहते हैं, और इसकी स्पेलिंग है WEST। और ठीक हमारे लेफ्ट हैंड में होता है ईस्ट, यानी कि पूरब, स्पेलिंग है EAST। यहां पर एक बात और मैं समझा रही हूं। ईस्ट में सूरज, जिसे कि हम लोग सूरज भगवान बोलते हैं, सन, यानी कि सूरज पूरब में उगता है, और वेस्ट यानी कि पश्चिम में डूबता है। सुबह में सूरज उगता है ईस्ट में यानी कि पूरब में, और शाम को वेस्ट में यानी कि पश्चिम में डूबता है। आप इस तरह से इस चारों डायरेक्शन यानी कि दिशाओं को याद करके, अच्छी तरह से याद करके रख सकते हैं, और ये आपको जीवन में बहुत आगे भी आप जब पढ़ाई करेंगे ना तो और भी डायरेक्शंस के बारे में सीखेंगे। अभी आप छोटे क्लास में हैं तो आपको इन चारों डायरेक्शन के बारे में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इन चारों दिशाओं को अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आज आपने डायरेक्शंस में चार दिशाओं के नाम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सीखा। आप इसे अच्छी तरह से समझकर याद कीजिएगा। अगली बार मैं फिर आऊंगी बेसिक नॉलेज के किसी नए वीडियो के साथ। आज का क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। तो फिर बाय बाय बच्चों।